नमस्कार दोस्तों, आज हम डेंगू फीवर जिसे हम हड्डी तोड़ फीवर के नाम से जानते हैं इसके ऊपर वीडियो बनाएंगे। तो कई लोगों की मेरे पास कमेंट आई है, तो आज मैं डेंगू फीवर के ऊपर वीडियो बना रहा हूं। डेंगू की जो प्रॉब्लम है, मादा एडिस एजेप्टी प्रजाति का जो मच्छर है उसके काटने से डेंगू होता है। 7 या 14 दिन के अंदर ये अपना असर दिखाने लगता है और पेशेंट धीरे धीरे बीमार होने लगता है। तो पूरे वर्ल्ड में 3,000 से 5,000 मच्छरों की प्रजातियां होती है, जिसमें 6% जो मच्छर है वो ही केवल इंसान को यानी नुकसान पहुंचाते हैं यानी बीमार करते हैं, और बाकी के मच्छर जो मेल है मच्छर तो वो उनके काटने से कुछ नहीं होता है। तो ये मच्छर एडिस जो एजेप्टी प्रजाति का जो मच्छर है, काले रंग का मच्छर होगा, इसमें सफेद धारियां होंगी, ज्यादा ऊंचाई तक उड़ता नहीं है। जुलाई से अक्टूबर यानी इस महीने तक ये मच्छर पनपता है ज्यादा से ज्यादा चपेट में, अपनी में जो डेंगू फीवर है उसको मरीज को चपेट में लेता है। जिन लोगों का इम्यून सिस्टम बिल्कुल डाउन होता है उनको जो डेंगू की जो प्रॉब्लम है, यानी इसकी 3 स्टेज होती है। तो साधारण स्टेज यानी जिसे हम क्लासिक डेंगू के नाम से जानते हैं, इसमें क्या होता है, जैसे मच्छर ने आज काटा और 7 या 14 दिन बाद ये अपना असर दिखाने लगेगा। तो क्लासिक डेंगू में हड्डियों में पेन, ज्वाइंट में पेन और फीवर एकदम 100 से ऊपर होना, तो ये साधारण डेंगू है। इसको हम क्या कहते हैं, बकरी का दूध है उसको पीकर यानी पर डे आप पीजिए तो आपको इससे रिलीफ मिलेगा साधारण डेंगू में। दूसरा कीवी का फल आता है, तो कीवी का फल पर डे आप सुबह शाम खा सकते हैं। 35 या 40 या 45 रुपए का एक फल मिलेगा, तो आप सुबह शाम 5 या 6 दिन इसको खा सकते हैं, 7 दिन खा सकते हैं। और बकरी का दूध आप लीजिए और एंटीबायोटिक दवा लीजिए, तो साधारण डेंगू तो ऐसे ठीक हो जाता है। दूसरा जो डेंगू है, डेंगू हेमरेज के नाम से जानते हैं, डेंगू हेमरेज फीवर जिसको DHF भी बोलते हैं। तो डेंगू हेमरेज फीवर में होता क्या है, जैसे आपने साधारण डेंगू का ट्रीटमेंट नहीं कराया या फिर आपको पता नहीं चला और आपको डेंगू हेमरेज फीवर हो गया, तो इसमें जो पेशेंट है उसके जैसे मसूड़ों में से खून आना, नाक में से खून अचानक आ सकता है, और क्या कहते हैं, और अन्य इम्यून सिस्टम धीरे धीरे वीक होना, और लिवर है उसका साइज बढ़ना, यानी इस तरीके की प्रॉब्लम हो सकती है। रक्त वाहिका और परिसंचरण तंत्र का फेल होना इसके लक्षण हैं। तो इसमें क्या है, प्लेटलेट और ब्लड को चढ़ाने की जरूरत पड़ सकती है, क्योंकि इसमें जो प्लेटलेट काउंट है एकदम डाउन हो जाएगा जो नॉर्मल जो स्वस्थ व्यक्ति का होता है। तीसरा जो फीवर है उसको हम बोलते हैं डेंगू शॉक सिंड्रोम, DSS के नाम से भी जानते हैं। तो डेंगू शॉक सिंड्रोम तब होगा जैसे आपने साधारण डेंगू का ट्रीटमेंट नहीं कराया, फिर आपका इम्यून सिस्टम भी पूरी तरीके से डाउन है, तो इस कंडीशन में डेंगू शॉक सिंड्रोम की समस्या होती है। इसमें पेशेंट मर भी सकता है और सेकंड डेंगू हेमरेज फीवर वाले में भी पेशेंट मर सकता है। दोनों कंडीशन में प्लेटलेट काउंट पूरी तरीके से डाउन हो जाती है, ब्लड चढ़ाने की भी जरूरत पड़ सकती है। तो सावधानी पूर्वक इस तरीके के साधारण डेंगू का आप ट्रीटमेंट कर सकते हैं यानी किया जा सकता है, पर इसको सावधानी से आपको ट्रीटमेंट देना होगा। पेशेंट का इम्यून सिस्टम अगर ज्यादा डाउन हुआ तो ब्लड चढ़ाने पर भी पेशेंट मर सकता है, उसकी मौत हो सकती है, और प्लेटलेट चढ़ाने पर भी, ब्लड और प्लेटलेट दोनों ही धीरे धीरे स्लो पेशेंट को चढ़ानी पड़ेगी। जब उसका प्लेटलेट और ब्लड हीमोग्लोबिन का जो स्तर है वो पूरी तरीके से कम हो गया है उस कंडीशन में, और इस तरीके का यानी जो अगर हो सकता है सिग्नेचर भी पेशेंट जो मरीज है उनके फैमिली मेंबर से करवाए जाए। कई केस हैं जिसमें पेशेंट की डेंगू की वजह से मौत हो गई है, खासकर बच्चों का जो इम्यून सिस्टम है यानी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता बच्चों की डाउन होती है, तो बच्चों को ज्यादा खतरा रहता है। प्रेग्नेंट लेडीज को समस्या हो जाए, अगर आप प्रेग्नेंट लेडीज का ट्रीटमेंट में आप इस तरीके के मेरी तरीके के वीडियो देखकर आप प्रेग्नेंट लेडीज को जो मैं आज ट्रीटमेंट बताऊंगा आप ट्रीटमेंट ना दें, अन्यथा आप जिम्मेदार होंगे। तो सारे मैंने ये बता दिए हैं किस वजह से होता है, 3 तरीके के होते हैं, और जिन लोगों का इम्यून सिस्टम डाउन है उनको जल्दी प्रभावित करेगा। तो मादा एडिस एजेप्टी प्रजाति का जो मच्छर है ज्यादा ऊंचाई तक उड़ नहीं सकता। अब हम ट्रीटमेंट की बात करें, तो साधारण जो डेंगू है जिसे क्लासिक डेंगू बोलते हैं उसका ट्रीटमेंट तो इजी है, आप कर सकते हैं। बकरी का दूध भी दे सकते हैं, पीना पड़ेगा, बेशक आपको जो बकरी के दूध में से स्मेल यानी बदबू आती है तो डेंगू में ज्यादा फायदेमंद होता है यानी लाभकारी होता है। तो आप सुबह शाम 1-1 गिलास बकरी का दूध कहीं से भी गांव में जाकर आप मंगवा सकते हैं,
और जो साधारण डेंगू है उससे आपको फायदा जरूर मिलेगा। और कीवी फल आता है, जैसे बैकग्राउंड में पीछे इमेज में चल रहा है तो आप देख सकते हैं, 35 से 40 रुपए के बीच में एक फल आपको मिलेगा। सुबह शाम 6-7 दिन आप इस कीवी फल को खाइए। और एंटीबायोटिक इस तरीके की दवाएं, अगर फीवर ज्यादा है तो फीवर वाली जो दवाइयां हैं वो आप दे सकते हैं। अगर आपको जैसे डेंगू हेमरेज या फिर डेंगू शॉक सिंड्रोम की प्रॉब्लम है तो इन दोनों कंडीशन खतरनाक होती हैं। इसमें प्लेटलेट की अगर जरूरत पड़ेगी तो प्लेटलेट आपको स्लो चढ़ानी है और पल्स रेट और बीपी आपको चेक करते रहना है मरीज का। और इंजेक्शन की बात करें, ब्लड, अगर ब्लड की जरूरत पड़े तो आपको ब्लड भी चढ़ाना पड़ सकता है। अब हम ट्रीटमेंट की बात करेंगे तो हमें चाहिए एक ड्रिप सेट, और आप 5% दे सकते हैं। फीवर में भी इस समय देना होगा क्योंकि ड्रिप के साथ ही चलेंगे। पेशेंट का इम्यून सिस्टम डाउन होने की वजह से पेशेंट मर सकता है। तो फोटाराम टीजेड इंजेक्शन, यानी फोटाराम टीजेड इंजेक्शन इस तरीके का 1.125 mg, यानी 1125 mg का ये इंजेक्शन होगा। तो इस इंजेक्शन के अंदर क्या कहते हैं, सेप्टजिडाइम और टेजोवेक्टम दिया होगा। तो सेप्टजिडाइम इसमें 1 ग्राम और टेजोवेक्टम शायद 125 mg के रूप में दिया होगा, यानी 1125 mg का इंजेक्शन है ये। आप 5% या DNS या फिर उसको लूज मोशन हो रहे हैं, वॉमिटिंग हो रही है, तो इस हिसाब से आप ड्रिप लगाइए। अगर डायबिटीज वाले पेशेंट को इंसुलिन लेवल बढ़ा है, उसको डेंगू हो गया, तो इस तरीके से ड्रिप आपको लगानी पड़ेगी जो उसकी कंडीशन है। तो आपने जैसे 5% ड्रिप लगाई और उसके अंदर फोटाराम टीजेड इंजेक्शन डाल दिया, आप इस इंजेक्शन को ड्रिप के यानी बोतल के अंदर, यानी 500 ml की आपको बोतल, जो ड्रिप बाटल है, इंजेक्शन है वो लेना होगा। उसके अंदर फोटाराम टीजेड 1.125 mg का इंजेक्शन आपको डालना है, या फिर आप नहीं डालना चाहते, जल्दी रिलीफ देना है पेशेंट को, अगर आप को भरोसा है अपने ऊपर तो आप ड्रिप चलने दीजिए स्लो, और आपने इस इंजेक्शन को IV 1 ml स्लो लगाना है मरीज को। लगाने के बाद में क्या कहते हैं, मीकासिन 500 इंजेक्शन 1 ml IV स्लो देना होगा, जिससे कि फीवर की प्रॉब्लम जो खत्म हो जाए। और डेक्सा 1 ml दे देना है। तो 12-12 घंटे के अंदर से ये इंजेक्शन लगेंगे। और जैसे आपने 5% ड्रिप लगाई है, वो खत्म हो गई 500 ml की, उसके बाद खत्म होने के बाद OF प्लस आपको 100 ml इंजेक्शन लगाना है। OF प्लस इंजेक्शन 100 ml के अंदर अभी इंग्रेडिएंट में भूल गया हूँ, तो OF प्लस ना मिले, जॉन फ्लॉक्स OZ इसके अंदर ओफ्लोक्सासिन और ऑर्नेडाजोल इंग्रेडिएंट्स होगा। हाँ, तो OF प्लस के अंदर भी ओफ्लोक्सासिन एंड ऑर्नेडाजोल होगा। तो 5% ड्रिप खत्म होने के बाद में आप OF प्लस आपको देनी होगी, यानी ये भी स्लो चलेगी। फिर आप जैसे OF प्लस या जॉन फ्लॉक्स OZ दोनों में से एक कोई ड्रिप आपने लगा दी, ये फिर 12 घंटे बाद फोटाराम टीजेड, या फिर फोटाराम टीजेड नहीं मिल रहा है तो आप टेजर 1 ग्राम इंजेक्शन आप पेशेंट को IV लगा सकते हैं। किस कंडीशन में, डेंगू हेमरेज फीवर में, या फिर डेंगू शॉक सिंड्रोम यानी DSS वाली प्रॉब्लम में दे सकते हैं। और प्लेटलेट आपको चढ़ानी पड़ सकती है और ब्लड भी चढ़ाना पड़ सकता है प्लेटलेट कम होने की कंडीशन में। रिस्क वाला काम है इन दोनों कंडीशन में, पेशेंट मर सकता है इम्यून सिस्टम डाउन होने की वजह से। तो ये हो गया डेंगू से बाहर निकलने की समस्या। तो डेंगू नील कोई भी बीमारी है, मीकासिन इंजेक्शन की बात करें तो मीकासिन इस तरीके का इंजेक्शन होगा 500 mg का। अगर बच्चे को है तो 100 mg का इंजेक्शन लगाइए। बच्चे को डेंगू है, जैसे ये 1.125 mg का ये इंजेक्शन है, तो अगर 500 mg की जरूरत है तो वो आपको 500 mg में देना पड़ेगा। अगर आप कुछ नहीं, अगर आपको ये वीडियो नहीं समझ में आ रहा है तो अमोक्सिलिन एंड फ्लुरिचिन क्लाबुनलेट में 9 mg CB आप इंजेक्शन दे सकते हैं 12-12 घंटे के अंदर अंतर से। आपको 2 या 3 दिन तो लगाने ही पड़ेंगे, यानी 4 इंजेक्शन, और ड्रिप चलनी है। और प्लेटलेट आपको चढ़ाने की, यानी कंडीशन के हिसाब से अगर प्लेटलेट डाउन है तो प्लेटलेट उसको तो चढ़ानी पड़ेगी, और अगर ब्लड भी कम है तो ब्लड भी आपको चढ़ाना पड़ सकता है। दो ही कंडीशन में रिस्क रहती है, डेंगू हेमरेज फीवर में और डेंगू शॉक सिंड्रोम वाली परेशानी में। तो ये आप, तो बस आज के लिए ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा कि डेंगू की प्रॉब्लम किन लोगों को होती है, कौन से मच्छर, ब्लैक कलर का मच्छर होगा जिसके काटने से डेंगू होता है, जिसपे सफेद सफेद धारियां होंगी। तो बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।
well, it's a phase, 'cause deep inside I'm crying for my baby.